बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रिटीज़। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आयजा खान और दानिश तैमूर के बारे में कि आयजा खान एक बार फिर से दुल्हन बन गई, वो भी दानिश तैमूर की फरमाइश पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि दानिश ये फरमाइश क्यों की तो मेरी वीडियो को इंतक लाजमी देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आयजा खान और दानिश तैमूर बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, दोनों के कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। दानिश तैमूर बहुत ही अच्छे हॉस्ट भी हैं जो इन दिनों गेम जो ऐसे चलेगा चला रहे हैं। पिछले दिनों दानिश तैमूर और आयजा खान ने अपनी शादी की सालगिरह नहायत ही सादगी के साथ सेलिब्रेट की। सिर्फ ये दोनों ही अपनी एनिवर्सरी के मौके पर थे और इन दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को टाइम देकर अपनी सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट की। और दानिश तैमूर ने आयजा खान से फिर से दुल्हन बनने की भी फरमाइश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले की तरह दुल्हन बनकर फ़ोटो शूट करवाएँ। तो दानिश तैमूर की फरमाइश पर आयजा खान फिर से एक बार दुल्हन बन गई और रेड कलर का और उसी जोड़ा पहनकर बहुत ही प्यारा फ़ोटो शूट करवाया। इनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ना सिर्फ रेड कलर के ड्रेस में इन्होंने फ़ोटो शूट कराया बल्कि इन्होंने वाइट कलर के मैक्सी पहनकर भी बहुत ही प्यारा फ़ोटो शूट करवाया जिसमें आयजा खान एक परी से कम नहीं लग रही। जी तो दोस्तों आपको आयजा खान स्पाइडर फ़ोटो शूट में कैसी लग रही हैं? आपको आयजा खान और दानिश तैमूर का कपल कैसा लगता है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।